जमीनी मालिकाना हक के चलते अनवर शेख की पाइप और रॉड से कर दी बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुटी। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। टिटवाला में मांडा एक इलाका है जहां पर जगह को लेकर गुरुवार को अनवर शेख अपने मालिक के कहने पर, यानी जिसकी जमीन है, जो मालिकाना हक है जिसका, उनके कहने पर बचे हुए जमीन की बाउंड्री वॉल मारने के लिए गए थे, जिसके पश्चात वहां पर 4 से 5 लोग मौजूद अनवर शेख पर पाइप रॉड से हमला किया, हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। अनवर शेख को लोकमणी बाई हॉस्पिटल में जख्मी हालात में उन्हें एडमिट कराया गया है। पीड़ित का क्या कहना है सुनिए। मजा नाम अनवर हुसैन शेख है आणि मी राहणार टिटवा, मांडा टिटवाला, आणि मांड्यामध्ये म्हणजे जागा आहे, आमच्या कंपनीची जागा आहे, ती कंपनीने मला पूर्ण अटॉरिटी दिली आहे, पॉवर अटॉरिटी दिली का बाबा ती जागेचा देखरेख, कंपाऊंड मारणे सगळं काही देखरेख करणं तुझं काम आहे, तू ते कर। वन साइड लीगल ती जागा आहे, गव्हर्नमेंट सर्वे झालेला आहे, कंपाऊंड मारलेला आहे, आणि ज्या व्यक्ती आहे त्याचं स्वतः त्या जागेत घर येतो आहे, तर त्या घराचं आम्ही काही घेणं देणार नाही, राहून दे बाबा तुझं घर, बाकी जागेचं जे खाली जागा आहे त्या तिथे आम्ही कंपाऊंड मारायचं आम्हाला, तर तिथे ते कंपाऊंड मारायला मी गेलो, म्हणजे सुरुवात केली मी। मी आमचे जिल्हाध्यक्ष वक्ते साहेबाला पण बोलवलं, आहे समजा बोललो का बाबा मी काम चालू करतोय, तिथे तुम्ही स्टार्ट करू, तुम्ही या म्हणून, तर तिथे त्यांनी त्यांच्या नातेवाईकला बोलवला, आणि ते वसन भोये आणि त्यांचा मुलगा पम्या भोये आणि लोकेश जाधव म्हणून आणि जनार्दन भोई आणि त्यांचे 2 मुलं यांनी सगळं मिळून माझ्यावर हमला केला, आणि रॉड आणि पाईप डांडक्यांनी मला लई, म्हणजे माझा व्हिडिओ झालेला आहे त्याचा काढलेला आहे, आणि दुसरी गोष्ट वक्ते साहेबाला पण त्यांनी मारला आहे, आमच्या संगती लेडीज होती, लेडीजला मारला, गाडीची काच फोडली। बाउंड्री वॉल से पहले भूमि पूजन के लिए बाबा साहेब आंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन के अध्यक्ष नरसिंह को बुलाया गया था। वहां पर भूमि पूजन के लिए, भूमि पूजन से पहले, भूमि पूजन के दौरान पाइप रॉड से हमला कर दिया अनवर शेख के साथ और 3 से 4 लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी हुई है, क्योंकि ये जमीनी मामला था और उसके बाद जो है वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट का, क्योंकि वहाँ पर जो जमीन थी, बची हुई जमीन, उसकी बाउंड्री वॉल करने गए थे। सुनिए क्या कहा है बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन के अध्यक्ष ने। अभी वहाँ पे टिटवाला में मांडा में स्कूल के बाजू में, जो मराठी स्कूल है उसके बाजू में, वहाँ पे अनवर शेख ये जो है वो उनके नाम पे बिल्डर ने पावर अटॉर्नी दिया था कि यहाँ के जमीन जो है यहाँ पे सर्वे करके, कंपाउंड मार के सर्वे प्लान पास है, सर्वे किया है, गवर्नमेंट सर्वे हुआ है, अभी खाली उसको कंपाउंड मारने का था, वो भूमि पूजन के लिए हमें बुलाया था, मैं था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के तरफ से, और वक्ते साहब थे आर के अपना दीपक बाबू निकाल जी के तरफ से, और हमारे तरफ एक महिला थी, उनके वो हम लोग साथ में गए थे भूमि पूजन के लिए, वहाँ पे गए, वहाँ के जो स्थानिक लोग है जिन्होंने जमीन बेचा है बिल्डरों को, वो लोग आके वहाँ पे कि ये जमीन हमारी है, तुम वहाँ पे कंपाउंड मारने क्यों आए, गाली गलौज करने लगे, डायरेक्ट आए और मारना चालू कर दिए। वहाँ पे अनवर शेख को इतना बेदम मारा है, उनका हाथ फ्रैक्चर है, उनके सर में बहुत टाके मार लगा है, मुक्का मार बहुत उनको लगेला है, फिर वक्ते साहब को भी मारा है, मेरा ताई को भी मारा है, हम गाड़ी का कांच तोड़ा है हमारे वक्ते साहब के। जो ये घटना जो हुई है बहुत गंभीर स्वरूप की घटना है, और इस घटने में जो गुनहगार जो है, वहाँ मारने वाले जो है, वो उनके ऊपर 2-3 गुने, मर्डर के गुने दाखिल है, तो हमारी एक मांग नहीं है कि उनके ऊपर मौके के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, मौके के अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे अनुसूचित जाति जमाति के लोगों को, उन्होंने मागास वर्गीय लोगों को गाली गलौज, जातिवादक छिविकाली की, अपमानित छिविकाली की है, तो अट्रॉसिटी एक्ट अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए। और ये मार इनको लगा है हमारे जो अपने ये इनको अनवर भाई को, तो उनके ऊपर 307 गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि इतना गंभीर गुना लगा, फ्रैक्चर हाथ हुआ है, मार सर में लगा है, हमारी ये मांगनी है।